नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 30 एक्सप्रेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबर पर। जनपद हापुड़ के कप्तान दीपक भूकर की एक नई पहल। जनपद हापुड़ कोतवाली नगर में बाल मित्र पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। NCR में पहला पुलिस स्टेशन जो कि बाल मित्र पुलिस स्टेशन है। जनपद हापुड़ कोतवाली नगर में बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। NCR में पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन हुआ जिसका उद्घाटन में उपस्थित पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, एडिशनल SP सर्वेश कुमार मिश्रा, CO अंडर ट्रेनिंग स्तुति सिंह, नगर कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह, महिला थाना प्रभारी मनु सक्सेना व समस्त पुलिस स्टाफ, SSP स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों से पेंटिंग बनवाई गई, बच्चों को हवालात का निरीक्षण कराया गया, FIR के बारे में भी बताया गया। आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। सर का विजन तो ये था कि हम एक ऐसा रूम बनाएं बच्चों के लिए और साथ में हम अपने जो यहाँ के शहर के बच्चे हैं, जनपद के बच्चे हैं, यहाँ पे आए घूमें, अपने पुलिस स्टेशन को समझें, देखें, उनके मन में जो भय है पुलिस स्टेशन के प्रति वो निकल जाए और वो उस एनवायरनमेंट, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों के लिए कि वो अपने हिसाब से इस जगह को भय की जगह देखने का, एक डर की जगह देखने की जगह, इसको एक ऐसी जगह देखें जहाँ पे उनके शायद एक बाल मित्र हैं, अपनी परेशानियाँ वो पुलिस स्टेशन में आके बता सकें। अगर उन्हें कोई उत्पीड़न किसी भी तरह का कोई कर रहा है तो वो उसको भयमुक्त होकर बता सकें। और दूसरी चीज़, एक पुलिस के प्रति जो परसेप्शन रहता है सोसाइटी में कि पुलिस जो है परेशान करती है इस तरीके से, वो सब चीज़ें हटें और किस सिवियर कंडीशंस में कई बार पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है उसके बारे में इन्हें जानकारी रहे, अपने राइट्स के बारे में जानकारी रहे, क्या क्या एज अ सिटीजन इन्हें करना चाहिए और आगे जाके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन इन लोगों की बनती है, वो इन्हें जानकारी रहे। इसलिए हम इन्हें आज थाना घुमाने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं जब ये यहाँ से निकलें तो एकदम भयमुक्त होकर निकलें, एक निर्भीक होकर निकलें और पुलिस के प्रति अपने मन में जो ये एक परसेप्शन लेके चलते हैं वो उनका परसेप्शन चेंज हो। मैम, इन बच्चों का अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे आप लोग अभी चला रहे हैं, इसमें जो है इनको कानून की भी नॉलेज होगी जी। और मैम, जैसे बाल अपराध हम देखते हैं बढ़ते हैं, उसके लिए रोकथाम की पॉलिसी जो है इसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस प्रोग्राम के तहत। एक हमने जो है बच्चों से कहा है कि वो अपनी पेंटिंग बना कर लेके आए, उनके मन का पुलिस स्टेशन कैसा है, उनके परसेप्शन में कैसा पुलिस स्टेशन है। तो वो अभी SSP स्कूल में जो है एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, यहाँ पे भी हम पेंटिंग कराएंगे बच्चों से और यहाँ पे हमने नाम लिखवाए ताकि एक सोविनियर टाइप का इनके लिए रहे। और जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके बारे में हमने इन्हें पैम्पलेट्स दिए हैं। अभी इनके छोटे छोटे सेशंस होंगे, साइबर लॉ के ऊपर सेशंस होंगे, जिससे कि इनके अंदर जो भी कोई सवाल जवाब है, कई बार हम कुछ नई चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ कठिन चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए लॉ समझना, तो उनको बच्चों की लैंग्वेज में लॉ समझाया जाए। इसलिए हमने अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं यहाँ पे चाइल्ड जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट से लोग हैं, ताकि इनके अगर मन में कोई सवाल है उनका हम एड्रेस कर सकें और इनको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकें पूरे पुलिस थाने के बारे में, पुलिसिंग के बारे में, पुलिस के बारे में, ताकि बच्चों का जो मन है वो बच्चों की तरह ही रहे। इनको जो है कई बार क्राइम अगर बच्चों से भी हो जाता है जुवेनाइल में भी, तो वो इनको कोई परेशानी कभी फेस ना हो पुलिस के साथ।